अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है केमिस्ट्री में, और हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जिसे हमने KC से डिनोट किया था। इसमें हमने इसकी डेरिवेशन कर ली, इसको डिफाइन कैसे करना है ये देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। अब आज की वीडियो में हम इसकी यूनिट देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ केसी की कोई खास यूनिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट चेंज होती रहती है, सही है। विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए केसी की डिफरेंट यूनिट होगी। अभी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए केसी की यूनिट निकालेंगे, तो ये बात समझ लो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए केसी की डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। इस रिएक्शन के लिए हमने केसी की यूनिट निकालनी है। सबसे पहले केसी की एक्सप्रेशन क्या है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास और रिएक्टेंट का एक्टिव मास। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ब्रैकेट में लिखा है, इट मींस एक्टिव मास है। रिएक्टेंट सही है। अब हमें पता है कि एक्टिव मास जब भी होता है यूनिट क्या होती है, मोल पर DM³। हमने यूनिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल पर DM³, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट। वाटर की क्या हो जाएगी, मोल पर DM³ यूनिट। ये प्रोडक्ट की हो गई। अब रिएक्टेंट्स, मोल पर DM³, सेम हाइड्रोजन की भी क्या होगी, मोल पर DM³। अब ये देखो, ऊपर 2 मोल पर DM³ है, नीचे भी 2 मोल पर DM³ हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। तो हमारे पास केसी की यूनिट क्या आई, कोई यूनिट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो यूनिट, क्योंकि इसकी जो यूनिट थी वापस में कैंसिल आउट हो गई। तो केसी की इस रिएक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं आई। हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए हमने केसी की यूनिट निकालनी है। अच्छा, पहले एक और बात समझ लो कि अगर हम ऐसे लिखें मोल पर DM³, या फिर ऐसे लिखें मोल DM-3, तो ये एक ही बात है। हमने सिंपल क्या किया, इस वैल्यू को ऊपर ले गए, तो पावर प्लस में थी नेगेटिव में हो गई। सबसे पहले हमने इसके लिए केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, सही है। प्रोडक्ट क्या है, NH3 कोफिशेंट है, बिल्कुल है, 2 पावर बन जाएगा। ये सारी बातें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। कोफिशेंट है, क्या बन जाएगी, पावर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी यूनिट लिखनी है। एक्टिव मास है, यूनिट क्या होगी, मोल DM, सही है, ये वाली बात है, ऐसे भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल पावर है, 2 पावर हमने ऐसे लगा दी, मोल DM, सही है। ये अभी हमने नाइट्रोजन का लिख दिया, अब हाइड्रोजन, मोल DM-3, सही है, 3 है, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास ऊपर 2 पावर है, नीचे 4 है, 3 और 1, सही है, 4। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास नीचे 2 पावर बचेगी, सही है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, मोल स्क्वायर DM क्या हो जाएगा, -6। अब हमने निकालनी है केसी की यूनिट, तो यूनिट कभी देखा है इस फॉर्म में, नहीं। तो अब हमने क्या करना है, इस मोल पर DM³ को ऊपर लेकर जब जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर अपोजिट -2 और DM-6, सही है। तो इस तरह से इस इक्वेशन के लिए हमारे पास केसी की क्या यूनिट आ गई,
मोल माइनस टू डी एम सिक्स। तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए के सी की डिफरेंट यूनिट हो सकती है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स का पहला सवाल है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ब्रेक हो गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन बनती है वो ये है। इसके लिए हमने के सी की डेरिवेशन करनी है और साथ ही साथ के सी की यूनिट निकालनी है। तो डेरिवेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी हम इसकी यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल वाई एक्सप्रेशन लिखो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? NO2, सही है, कोफिशेंट पावर बन गई। रिएक्टेंट क्या है? N2O4, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी यूनिट पुट कर दो, मोल DM, सही है। यूनिट पुट कर दी। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 1 कैंसिल होकर हमारे पास 1 पावर बचेगी, 1 ब्रैकेट। तो सिंपल मोल DM -3। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट क्या आ गई किसी की? मोल DM -3। नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी, कि केसी की इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले केसी इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। देखो केसी होता क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो, ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इससे हम क्या कह रहे हैं, केसी। अच्छा, अब हमारे पास एक और टर्म होती है क्यूसी। क्यूसी क्या होता है? ये भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो है, बट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो होगा वो क्या होगा? क्यूसी। लेकिन जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? केसी। बस केसी और क्यूसी में इतना फ़र्क है, केसी हमें कब मिलेगा? इक्विलिब्रियम पे, जबकि क्यूसी हमें कब मिलेगा? किसी भी टाइम पे, एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आगे की बातें समझने के लिए क्यूसी का रिलेशन बना लो प्रोडक्ट के साथ, सही है। क्यूसी का रिलेशन हमने किसके साथ बना लिया? प्रोडक्ट के साथ। अब हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि क्यूसी और केसी बराबर हो जाए, सही है। दूसरी कंडीशन हो सकती है क्यूसी ग्रेटर है केसी से। थर्ड कंडीशन हो सकती है क्यूसी लेस है केसी से। अगर किसी भी रिएक्शन में ये वाली कंडीशन आ रही है कि क्यूसी बराबर आ रहा है केसी के, इट मीन्स वहाँ पे क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में क्या है अभी? इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब जो ये 2 कंडीशंस है कि या तो क्यूसी ज़्यादा होगा या फिर क्यूसी कम होगा, तो इस बात को समझो, क्यूसी का हमने रिलेशन किसके साथ बनाया हुआ है? प्रोडक्ट के साथ, सही है। क्यूसी ज़्यादा है, क्यूसी अभी ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा। अच्छा, हमेशा क्या होता है कि जब जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मूवमेंट वहाँ से कहाँ पर होती है? जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, सही है। क्यूसी अभी ज़्यादा है, क्यूसी का रिलेशन हमने बनाया हुआ है प्रोडक्ट के साथ, इट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है? ठीक है, मूवमेंट कहाँ पर होती है? फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन पर मूवमेंट होगी, इट मीन्स कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो बैकवर्ड। तो जब भी क्यूसी ज़्यादा होगा, रिएक्शन कौन सा हो रहा है? बैकवर्ड। अच्छा, तो लास्ट हमारे पास जो रिलेशन है ये है क्यूसी इज़ लेस देन केसी। क्यूसी की वैल्यू कम है, क्यूसी कम मतलब प्रोडक्ट कम, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। ये कम है मतलब ये ज़्यादा है ना, तो फ्रॉम हाई टू लो, तो रिएक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड। ये बातें न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, ये क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बातें समझ में आ गई? एक बार देख लेते हैं केसी क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक्टिव मास का रेशियो, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, जबकि अगर यही सेम काम हम कर रहे हैं किसी भी टाइम पर, एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। किसी भी टाइम पर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो निकाल लें, उसे हम क्या कहेंगे? क्यूसी। ये बात क्लियर है? अब हमारे पास 3 तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो क्यूसी और केसी इक्वल आ जाए हमारे पास, तो इट मींस के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। दूसरी कंडीशन ये है क्यूसी ज़्यादा हो जाए केसी से, क्यूसी का रिलेशन हमने बना लिया है प्रोडक्ट के साथ, क्यूसी ज़्यादा इट मींस प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो
हमेशा कहाँ मूवमेंट होती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ज़्यादा है मूवमेंट कहोगी, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन होगा। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है क्यू सी कम आ रहा है के सी से, क्यू सी की वैल्यू कम है के सी की वैल्यू से। अब क्या होगा, क्यू सी कम इट मीन्स प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम तो मूवमेंट कहाँ होगी, टूवर्ड्स ए प्रोडक्ट साइड ना। हमेशा कहाँ मूवमेंट होती है, फ्रॉम हाई टू लो, लो की तरफ मूवमेंट होती है। प्रोडक्ट कम है, मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ के सी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डायरेक्शन डिस्कस कर ली। अब हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो के सी बहुत स्मॉल होगा, या फिर के सी बहुत लार्ज होगा, या फिर के सी ना ही बहुत स्मॉल है और ना ही बहुत लार्ज है। अब इस बात को समझो, के सी बहुत स्मॉल है, जब भी के सी बहुत स्मॉल होगा इट मीन्स जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो अनस्टेबल है, प्रोडक्ट फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर वो क्या बना ले रहा है, रिएक्टेंट। तो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, बैकवर्ड। तो जब भी के सी बहुत स्मॉल होगा रिएक्शन कौन सा होगा, बैकवर्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी है के सी बहुत लार्ज है, के सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा फिर, स्टेबल। प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब वो अपनी हालत में रह सकता है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बनते जा रहा है और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो फिर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड। जब के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इट मीन्स प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट बनते जा रहा है और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब के सी की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, इट मीन्स जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, तो उसका क्या मतलब हुआ, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्टेट आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, केसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।